तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एथिक्स के इस फ्री लेक्चर सीरीज में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। यूजुअली ये आपका जो यूपीएससी का सिलेबस है एथिक्स का, उसका ये पहला पार्ट है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। लेकिन इससे पहले हमने 4-5 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हुए हैं ताकि एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग आप में पहले डेवलप हो सके, और उसके बाद हम ये एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस को यहाँ पे डिस्कस करें, क्योंकि बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इसमें डिस्कस करेंगे जो थ्योरेटिकल चीज़ें होंगी, और इनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा, यूटिलिटेरियनिज्म को, लीगल परस्पेक्टिव को, जस्टिस के परस्पेक्टिव को, राइट्स के परस्पेक्टिव को, इन सारे परस्पेक्टिव्स को ह्यूमन इंटरफेस से कनेक्ट किया जाएगा। इसलिए आपकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है इन सारे कॉन्सेप्ट्स की, थ्योरीज की, वो पहले जरूरी थी। तो वो लोग जो अभी ऐसा सोच रहे हैं कि सबसे पहले जो चीज पढ़ाई जानी चाहिए थी उनको 5वें 6वें लेक्चर में क्यों पढ़ा रहे हैं, तो इसकी बेसिक्स इसकी वजह यही रही। तो आइए स्टार्ट करते हैं एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। अगर एक बार फिर से यूपीएससी का आपका जो सिलेबस है उसको आपको रिमाइंड करवा दें तो इसमें ये सारी चीजें आपकी कवर होंगी, क्या क्या चीजें हैं इसमें, एसेंस क्या है, डिटरमिनेंट्स क्या है ह्यूमन एक्शंस के, और डायमेंशंस क्या है एथिक्स के, और एथिक्स का स्कोप क्या है, ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है, लेसन्स फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स। ये एक ऐसी चीज है जो हम अभी 4-5 लेक्चर्स के बाद करेंगे या फिर लास्ट में करेंगे, ताकि आप जो बड़े लीडर्स रहे हैं, जो ग्रेट पर्सनैलिटीज रही है ह्यूमन हिस्ट्री में, उनके लाइफ के एग्जाम्पल्स को आप कोट कर सको अपने आंसर में। तो इस पे एक सेपरेट लेक्चर होगा, एक नहीं या 2-3 लेक्चर्स इसमें हम कवर करेंगे, जिसमें गांधी, कलाम, नेल्सन मंडेला वगैरह वगैरह इस तरीके के जो बड़े लीडर्स हैं और जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं उनकी लाइफ के एग्जाम्पल्स को इसमें कवर किया जाएगा, इस तरीके से कि आपके एथिक्स के कंसेप्ट में भी क्लैरिटी आए और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आप इसके एग्जाम्पल को कोट कर सको। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एथिक्स एंड इट्स स्कोप से। एथिक्स क्या होता है, आई होप आपको सबको अब ये मालूम हो चुका है, हमने ऑलरेडी एथिक्स और मॉरेलिटी के बीच का डिफरेंस डिस्कस कर लिया हुआ है। एथिक्स और वैल्यूज का डिफरेंस अभी हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो एथिक्स क्या होते हैं आपको पता चल गया होगा अभी तक, एथिक्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एथिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज दैट आर सिग्निफिकेंट इन आवर प्रोफेशनल लाइफ। तो प्रोफेशनल लाइफ में हम जहां जहां वैल्यूज का यूज करेंगे उन वैल्यूज को हम कहेंगे एथिकल वैल्यूज। इट डील्स विद आवर प्रोफेशन, इट डील्स विद आवर डिसीजन मेकिंग इन इन आवर प्रोफेशनल लाइफ। तो एथिक्स इज डीलिंग विद प्रोफेशन, बट मॉरेलिटी इज डीलिंग विद आवर पर्सन, विद आवर पर्सनैलिटी। इट इज अ पर्सनल थिंग मॉरेलिटी एंड एथिक्स इज अ प्रोफेशनल थिंग। तो आई होप एथिक्स मॉरेलिटी के बीच का आपका जो डिफरेंस हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया हुआ है, और जिन लोगों को ये सारी बातें नहीं लग रही होगी वो पहले से फर्स्ट लेक्चर से लेके इसको कवर कर लें, एक बार प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल में, एक बार जाके देख लें। तो एथिक्स एंड इट्स स्कोप हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। स्कोप क्या होता है किसी भी चीज का, स्कोप होता है कि कितनी ब्रॉड चीजों को ये कवर करता है, कितने ब्रॉड एरिया को ये कवर करता है। स्कोप इज बेसिकली द एरिया, एरिया कवर्ड बाय अ पर्टिकुलर थिंग, वो हुआ आपका स्कोप, राइट। जैसे स्कोप ऑफ मॉरेलिटी हो गया, ये ह्यूमन लाइफ के हर एक चीज को कवर करता है, मॉरेलिटी हर एक जगह इसका इंपैक्ट है। स्कोप ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, ह्यूमन लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आज के दौर में टेक्नोलॉजी का योगदान है, तो स्कोप ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी कॉल्ड एज यूनिवर्सल स्कोप। तो इस तरीके से एथिक्स का क्या स्कोप है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंपैक्ट होती है ह्यूमन लाइफ की एथिक्स के द्वारा, एथिकल वैल्यूज के द्वारा, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एथिक्स की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको दी हुई है कि एथिक्स आर सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट सोसाइटी हैज सेट फॉर इटसेल्फ एंड विच हेल्प्स गाइड बिहेवियर choices and actions of individuals in discretionary matter। ये भी अभी हम discuss करेंगे कि discretionary का क्या लेना देना है। Scope of ethics क्या है कि ethics deals with all the actions that are voluntary in nature। Number one, ethics उन सारे actions को से deal करता है जो आपके voluntary action है, जो आपने voluntarily काम करना है। क्यों? क्योंकि जो काम आप पे बाइंडिंग है वो तो आपको वैसे भी करना ही पड़ेगा, और उसी तरीके से करना पड़ेगा जैसा कि प्रेस्क्राइब किया हुआ है किसी एक लीगल लीगल स्ट्रक्चर में,
एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के द्वारा जो तरीका प्रेस्क्राइब किया हुआ है, आपके ऑब्लिगेटरी फंक्शंस उसी तरीके से काम होंगे, तो उसमें अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करने का आपके पास स्कोप बहुत कम है। लेकिन जब आपने कोई ऐसा काम करना हो जो आपका वॉलंटरी हो, जो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता हो, आप उसे करोगे या नहीं करोगे, तो उस काम को करने का आपका तरीका क्या होगा ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करती है आपकी एथिकल वैल्यूज, कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, आपके दिमाग में जो जो एथिकल वैल्यूज अपना घर बना चुकी है, उन वैल्यूज को ध्यान में रख के आप उस काम को करोगे और उस काम को उसी तरीके से करोगे जो कि उन वैल्यूज को फुलफिल करता हो। आई होप ये वॉलंटरी एक्शन का ये जो पूरा झमेला है ये आपको समझ आ गया होगा। दूसरा कि डिस्क्रिशनरी पोजीशंस, जब ये भी मैंने आपको बात बता दी कि जब आपको डिस्क्रिशनरी मैनर में आपके पास डिस्क्रिशनरी पावर हो किसी भी काम को करने की, फॉर एग्जाम्पल You have discretionary power. Being a district collector, being a DC, you have discretionary powers to undertake any action for the social well-being, for the well-being of the tribals in your area. For example, आपके पास ये discretionary power है, तो उस action को आप किस तरीके से लोगे ये भी decide करेगा आपका ethics. उन कामों के लिए जिनके लिए आप बाइंडिंग है, जो काम आप पर बाइंडिंग है, वहां पर एथिक्स का उतना रोल होता नहीं है, क्योंकि आपको वो काम करने ही करने हैं और उसी तरीके से करने हैं जो कि तरीका प्रेस्क्राइब किया हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके कानून में या फिर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस में। लेकिन जो बाइंडिंग नहीं है, जो डिस्क्रिशनरी है, वहां पे एथिक्स अपना बड़ा रोल प्ले करता है टू गाइड द ह्यूमन एक्शंस, कि आपको वो काम किस तरीके से करना है, आपके तरीकों को गाइड करने का काम करेगा एथिक्स। तो ये है स्कोप ऑफ एथिक्स, वॉलंटरी एक्शन को डिसाइड करेगा और आपके डिस्क्रिशनरी पोजिशंस में एथिक्स काम आएगा। ये बेसिकली ब्रॉड स्कोप ऑफ एथिक्स है, लेकिन एकदम से स्कोप को डिटरमाइन करना कि इस जगह एथिक्स काम करेगा, यहां एथिकल वैल्यूज काम नहीं करेगी, ये डिटरमाइन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एथिक्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एथिक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ए कॉन्टिन्यूम, देयर शुड बी ए कॉन्टिन्यूम अप्रोच व्हाइल टॉकिंग अबाउट एथिक्स। हम एक शून्य से इंफिनिटी की ओर जा रहे हैं और यहां कहीं हम बीच पे लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो यहां पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, राइट? तो यहां एथिक्स काम कर भी सकता है, कई जगह एथिक्स काम नहीं भी करेगा, आप समझ पा रहे हैं? तो देयर शुड बी ए कॉन्टिन्यूम अप्रोच व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट एथिक्स। तो स्कोप एग्जैक्टली तो डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन इन दोनों कामों में, इन दोनों पोजिशंस में, इन दोनों सिचुएशंस में एथिक्स प्लेज अ significant role whenever you are taking a decision. Next is branches of ethics. ये बड़ा रद्दी सी चीजें हैं, लेकिन ठीक है, अगर आपको जानने की इच्छा है तो एक बार जान ही लीजिए कि क्या क्या ब्रांचेज है। यूजुअली ऐसे यूपीएससी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं है कि व्हाट आर ब्रांचेज ऑफ एथिक्स। यूपीएससी ट्राइज टू आस्क यू द एनालिटिकल क्वेश्चंस एंड द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चंस पे फोकस करना है। लेकिन फिर भी अगर आपको ब्रांचेस ऑफ एथिक्स जाननी है जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग इट, तो आप इनको जान सकते हैं। इनफाइनाइट ब्रांचेस हो सकती है एथिक्स की अगेन, लेकिन कुछ ब्रांचेस ऐसी होंगी, ब्रांचेस आर इनफाइनाइट बट सम ऑफ देम आर कि डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, ऐसे एथिकल वैल्यूज जो कि डिस्क्राइब की जाती हैं, ऐसी एथिकल वैल्यूज जो सोसाइटी के लिए डिस्क्राइब की जाती हैं, दे आर जस्ट द वैल्यूज दैट आर एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी एंड यू आर डिस्क्राइबिंग दोज वैल्यूज इन अ सर्टेन बुक और इन अ सर्टेन काइंड ऑफ रिचुअल। तो जो एथिकल वैल्यूज आपकी ऑलरेडी सोसाइटी में प्रेजेंट है, जैसे मनुस्मृति है, मनुस्मृति जब लिखी गई उस टाइम कास्ट सिस्टम ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करता था, उस टाइम कास्ट सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, लेकिन फिर भी वो कास्ट सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है उसको मनुस्मृति में डाला गया, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसी को डिस्क्राइब किया गया। दोज वैल्यूज आर कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, द एथिकल वैल्यूज दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बट दे आर बींग डिस्क्राइब्ड
दे आर बींग इलेबोरेटेड, उस पे व्यूज दिए जा रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव वैल्यूज। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होती है? नॉर्मेटिव एथिक्स आर प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड एथिक्स। जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, दवाइयां प्रिस्क्राइब करता है कि ये दवाइयां लेना। सो प्रिस्क्राइब करना क्या होगा, आई होप आपको पता है ये टर्मिनोलॉजीज। प्रिस्क्राइब करना मतलब किसी को डायरेक्शन देना कि हाँ आपको ये चीजें लेनी चाहिए। तो नॉर्मेटिव एथिक्स या प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या होंगे? ऐसी एथिकल वैल्यूज जो किसी आदमी ने लिखी हुई है और वो सोसाइटी को डायरेक्ट कर रहा है कि आपको ये काम करने हैं। ओके, जैसे एरिस्टोटल ने कहा वर्च्यू एथिक्स, ये प्रिस्क्रिप्टिव है। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, हमने कांट की ऑलरेडी थ्योरी पढ़ी हुई है, एथिकल थ्योरीज की। कांट क्या कहता है कि हमें अपने एक्शंस पे फोकस करना चाहिए। जहां चाहिए की बात आ रही है वहां हम कहेंगे कि कुछ प्रेस्क्राइब किया जा रहा है, कुछ डायरेक्शन दी जा रही है सोसाइटी को। दोज एथिकल वैल्यूज आर कॉल्ड प्रिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव एथिकल वैल्यूज। मेटा एथिक्स क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एथिक्स एंड मेटाफिजिकल क्वेश्चंस, मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स। मेटा एथिक्स में होता है, मेटाफिजिकल क्या होता है? मेटाफिजिकल माने इमेजिनेशन बेस्ड, ऐसी चीजें जो एग्जिस्ट कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं, लेकिन आदमी के दिमाग में एग्जिस्ट जरूर करती है। फिजिकली जो एग्जिस्ट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं, बट इंसान के दिमाग में वो एग्जिस्ट जरूर करती है। जैसे गॉड, कंसेप्शन ऑफ गॉड, भगवान हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन इंसान के दिमाग में गॉड है, इन्हें कहेंगे हम मेटाफिजिकल एथिक्स। तो वो सारी चीजें जैसे धर्म का पालन करना, द कंसेप्ट ऑफ धर्मा, ये सारी चीजें मेटाफिजिकल एस्पेक्ट को इंक्लूड करती है। कर्म सिद्धांत की द कंसेप्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ कर्मा, कर्मा थ्योरी क्या कहती है? अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, अगले जन्म में भी मिलेंगे। तो ये चीजें हो सकता है एग्जिस्ट करती हो, लेकिन डेफिनेट नहीं है, पर इंसान के माइंड में जरूर एग्जिस्ट करती है एक थॉट के रूप में। तो मेटाफिजिकल क्वेश्चन जहां इन्वॉल्व हुए उसे हम कहेंगे मेटा एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स क्या होती है? ये वो एथिक्स है जो यूपीएससी यूजुअली आपसे पूछेगी। ये ऐसे एथिकल वैल्यूज है जो आपके यूजुअल आपके लाइफ में जो काम आएगी, हर रोज जो आप काम करते हैं, आप कहीं चल रहे हैं, जा रहे हैं, बूढ़ी माँ आ रही है, आपका यूपीएससी का एग्जाम है 10 बजे, लेकिन आपको किसी बूढ़ी औरत को भी आपको सपोर्ट करना है कि लाओ माताजी मैं आपके घर तक आपकी थैली उठा दूं क्योंकि वजन बहुत ज्यादा है थैली का, तो क्या आप उस टाइम कौन सा डिसीजन लोगे? तो ये हुए आपके अप्लाइड एथिक्स कि आपको यूपीएससी का एथिकल डायलेमा आपको दिया हुआ है कि आपको यूपीएससी का एग्जाम भी देना है भाई 10 बजे, आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, हो सकता है आप बूढ़ी का हेल्प करके आप लेट भी हो जाओ, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ये हुआ आपका एथिकल डायलेमा इन अप्लाइड टर्म्स। आपकी जो डेली लाइफ में काम आएगा उसे हम कहेंगे अप्लाइड एथिक्स। जो एथिकल वैल्यूज आपको ऐसी डेली लाइफ में गाइड करेगी उसे हम कहेंगे अप्लाइड एथिक्स। लाइक मेडिकल प्रैक्टिसेस में कौन कौन सी एथिकल वैल्यूज आपकी काम करेगी, और रियल एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स में ये डील करते हैं आपके अप्लाइड एथिक्स। ये बिल्कुल एक रद्दी सी चीज थी, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग इट, वो आपको जाननी तब चाहिए। नेक्स्ट, आपको इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है ब्रांचेस ऑफ एथिक्स के, एक यूजुअल सा आपको आइडिया रहना चाहिए। बाकी मैंने ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया इसको क्योंकि सभी को पता है डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, नॉर्मेटिव क्या होता है, मेटा क्या होता है, अप्लाइड क्या होता है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग दोज पीपल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ऑफ दोज पीपल हु डोंट नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तो ये इसमें मैंने लेक्चर में कवर कर दिया। नेक्स्ट, डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल एथिकल बिहेवियर। कौन कौन से ऐसे डिटरमिनेंट्स हैं जो इंडिविजुअल की किसी आदमी के एथिकल बिहेवियर को डिटरमाइन करेंगे, कौन से फैक्टर्स हैं जिनका इन्फ्लुएंस होगा आपके बिहेवियर पे, एथिकल बिहेवियर पे। ये सारी चीजें हमने पहले भी डिस्कस की हुई है कि आदमी की मॉरेलिटी पे किन किन चीजों का इम्पैक्ट होगा, आदमी के एथिकल वैल्यूज पे किन किन चीजों का इम्पैक्ट होगा, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आदमी अपनी एथिकल वैल्यू
वैल्यू सिस्टम अपने लिए क्रिएट करेगा। तो ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस कर ली हुई है, तो पहले के लेक्चर एक बार कवर कर लीजिएगा। लेकिन फिर से एक बार जल्दी में, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेती है और बहुत बार ऐसे पूछा हुआ है, व्हाट आर मेन डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिकल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, कैन एथिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल बी चेंज्ड थ्रू द आउटसाइड इंटरवेंशन लाइक ट्रेनिंग एटसेट्रा। तो ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी ने कई बार पहले पूछे हुए हैं, तो आप इन सारी चीजों को इग्नोर ना कीजिएगा। आपको लगता है कि ये रद्दी सी चीजें हैं, लेकिन यूपीएससी कई बार पूछ लेता है, और एग्जाम में या तो आपका पेन चलेगा या दिमाग। तो पेन अगर चलाना है तो रटो और रट लेना इन सारी चीजों को। बाकी अप्लाई कैसे करना है ये सारी बातें तो आपको बता ही दी गई है, इनको भी आपने अप्लाई करना है। एक बार इसके नोट्स जरूर बना लेना कि क्या क्या चीजें डिटरमाइन करेगी। सबसे पहले इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी ट्रेट डिटरमाइन करेंगे कि उसका एथिकल बिहेवियर क्या होगा, उसका टेम्परामेंट कैसा है। पर्सनैलिटी ट्रेट माने उसका इंडिविजुअल का अपना टेम्परामेंट कैसा है, वो गुस्सा कर लेता है बहुत जल्दी या फिर कूल डाउन होने वाला आदमी है। उसका माइंड सेट कैसा है, वो बड़ी बड़ी चीजें सोचता है या फिर छोटी छोटी चीजें सोचता है। यूजुअली होता है कि जो छोटी छोटी चीजें सोचता है वो आम जीवन होता है, और वो सारी वो इस तरीके से के जो लोग होते हैं वो छोटी छोटी बातों को सीरियसली ले लेते हैं और छोटे छोटे पंगे ले लेते हैं। तो उस वे में भी आपका एथिकल बिहेवियर, आपका माइंडसेट डिटरमाइन कर सकता है कि आपके उद्देश्य कितने बड़े हैं। जितने बड़े उद्देश्य उतने कम आप पंगे लेंगे और उतने अच्छे से आप इश्यूज को रिजोल्व कर पाएंगे अपने डेली लाइफ में, क्योंकि वो फंसेगा ही नहीं ऐसे पंगों में। तो माइंडसेट ऑल्सो हैज एन इंपैक्ट, और ऐसी ही लैंग्वेज में आपको, जो भी आपकी प्रेफरेबल लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, उसमें आपको आंसर भी इसी तरीके से अपनी लैंग्वेज में देने हैं, भले ही उसमें टपोरी वाली भाषा का आप यूज ना करो। तो इंडिविजुअल ट्रेट्स का बड़ा ही इंपैक्ट रहता है, टेम्परामेंट का इंपैक्ट रहता है, माइंडसेट का इंपैक्ट रहता है आपके एथिकल बिहेवियर को डिटरमाइन करने में। नेक्स्ट, आपका कल्चर, आपकी कंट्री किस तरीके की है, उस हिसाब से भी आपका एथिकल बिहेवियर डिटरमाइन होगा, राइट? जैसे मैंने आपको बताया कि एथिक्स के लिहाज से इंडिया में आप प्रेफरेंशियल एंट्रीज इन जॉब्स, प्रेफरेंशियल रिक्रूटमेंट्स आप अलाउ करते हो। प्रेफरेंशियल रिक्रूटमेंट क्या हुई कि फॉर एग्जांपल आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते करते मर गया, तो इंडिया में ये बात एथिकल मानी जाती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन उस आदमी के किसी एक फैमिली मेंबर को जॉब देगी। और इंडिया में इस बात का विरोध नहीं होता, लेकिन आप अगर यूएसए में जाओगे तो वहां एक स्पेशल एक्ट है फॉर मेंटेनिंग द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और वो बिल्कुल प्रोहिबिट करता है किसी भी प्रकार के प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट को इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट। तो वहां आप अगर ऐसा कोई काम करोगे, कोई प्रेफरेंशियल रिक्रूटमेंट दोगे, तो वहां आप गलत होंगे, इंडिया में आप एथिकल होंगे। तो आपकी कंट्री, आपका कल्चर, ये सारी चीजें भी डिटरमाइन करता है कि आपका एथिकल बिहेवियर कैसा रहने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन के अपने प्रिंसिपल्स भी डिटरमाइन करेंगे कि आपका एथिकल बिहेवियर कैसे रहने वाला है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप एक माइनिंग ग्रुप में काम कर रहे हो, कोल माइंस में अगर आप काम कर रहे हो, कोयला खानों में अगर आप काम कर रहे हो, तो वहां पे आपके लिए ये एथिकल माना जाएगा कि आप कहीं खतरे के जगह में जाके आप काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कोल माइनिंग इज अ खतरे का बिजनेस। लेकिन अगर आप किसी आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अगर आप किसी खतरे की जगह में भेजोगे, तो वहां पे वो बात अनएथिकल हो जाएगी। मरने की प्रोबेबिलिटी दोनों की बराबर होगी, कोल माइन के वर्कर की भी और आईटी इंजीनियर की भी, लेकिन आईटी इंजीनियर को अगर उसकी कंपनी ऐसे किसी खतरे की जगह में भेजेगी तो वो अनएथिकल प्रैक्टिस होगी और उसका भरपूर विरोध होगा। कोल माइनर्स के लिए कोई विरोध नहीं करता, क्यों? क्योंकि ये उन्होंने ये एडॉप्ट कर लिया हुआ है एज एन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि भाई हमें ये तो करना है, नहीं करेंगे तो कोयला कैसे निकालेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स पे भी ये डिपेंड करता है कि आपका एथिकल बिहेवियर कैसे रहने वाला है। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपसे ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट कर रही है। अगर आपसे ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है बींग ए लीडर, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हो और आपसे, आपकी कैपेबिलिटी से ज्यादा एक्सपेक्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो या तो आपको, आप में इरिटेशन पैदा हो जाएगी ये सोच सोच के कि क्या मैं ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या फिर
आप ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए और अपनी लीडरशिप की पोजीशन को बनाए रखने के लिए, तब आप अनएथिकल वेज का उपयोग करोगे अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए। मान लो अगर आपको रेवेन्यू, अगर आपसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऊपर के लोग हैं, आपकी कंपनी के जो हायर ग्रेड के मैनेजर्स हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भारी भरकम रेवेन्यू उनको कमा के दोगे, तो दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। या तो आप में मेंटल प्रेशर बढ़ेगा और आप इरिटेशन में आ जाओगे, या फिर आप अनएथिकल वेज से ड्रग वगैरह बेच के रेवेन्यू कमाने की कोशिश करोगे और कंपनी को दोगे और ये दिखाने की कोशिश करोगे कि मैंने इतना रेवेन्यू कमा लिया, और अपनी लीडरशिप पोजीशन को बचाने की तब आप कोशिश करोगे। तो एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपसे बींग अ लीडर वो भी डिटरमाइन करेगा कि आपका एथिकल बिहेवियर कैसे रहने वाला है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट ऑफ डिसीजन बींग टेकन, कि किस बारे में आप डिसीजन ले रहे हो, वो बात भी आपसे आपके एथिकल बिहेवियर को डिटरमाइन कर सकता है कि आप किस बारे में डिसीजन लेने जा रहे हो, राइट? अगर आप कोई एक ऐसा डिसीजन लेने जा रहे हो जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिलने की संभावना है, तो उस प्रॉफिट में आप, हो सकता है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए ऐसे डिसीजन लेते हुए। हो सकता है आपके दिल में भी ये इच्छा हो कि ऑर्गेनाइजेशन को तो प्रॉफिट हो ही हो रहा है, इसका एक हिस्सा मैं भी रख लूं, लीडर होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो उस जगह में आपके जो एथिकल बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाएंगे, और इस तरीके से सब्जेक्ट ऑफ डिसीजन कैन ऑल्सो इम्पैक्ट योर एथिकल बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीजें बहुत सब्जेक्टिव है, सिचुएशनल है, और सिचुएशन पे डिपेंड करती है कि आपके आपकी जो एथिकल जो डिसीजन मेकिंग है वो किस तरीके की रहने वाली है। ये बहुत सब्जेक्टिव है और सिचुएशनल है। तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं, और अपने भी कई एग्जाम्पल इसमें आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मॉरल होने, इमोरल होने और अमोरल होने का फर्क क्या है। इसी तरीके से मैंने आपको एथिक्स और मॉरेलिटी के बीच का डिफरेंस भी बताया, और एथिक्स और वैल्यूज के बीच का डिफरेंस भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। मॉरल होने का मतलब क्या होता है, मॉरल होने का मतलब या मॉरेलिटी का मतलब या किसी भी मॉरल एक्शन का मतलब ऐसे एक्शन से होता है जहां आपके मॉरल प्रिंसिपल्स काम करेंगे। मॉरल होने का मतलब है अगर आप नैतिक नियमों का अनुपालना कर रहे हो, मॉरल प्रिंसिपल्स को अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो आप मॉरल व्यक्ति हो। सिंपली जैसे अगर आप जस्टिस इंश्योर कर रहे हो, अगर आप सबको एक मान रहे हो, समान मान रहे हो, समानता का सिद्धांत ये भी एक नैतिक सिद्धांत है, अगर आप न्याय का सिद्धांत मान रहे हो तो आप मॉरल हुए। अगर आप दूसरों को न्याय दिला रहे हो तो आप नैतिक हुए। अगर आप दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हो, मतलब न्याय के सिद्धांत को नहीं मान रहे हो, नॉट फॉलोइंग द मॉरल प्रिंसिपल, तो आप अनैतिक हुए, इमोरल हो गए। अमोरल होने का मतलब है न्यूट्रल, जहां पे नैतिक सिद्धांत काम ही नहीं कर सकते हैं, जहां पे नैतिक सिद्धांत आपके काम ही नहीं कर सकते हैं, नैतिक सिद्धांतों का लेना देना ही नहीं है उन सारे कामों से, उसको हम कहेंगे अमोरल। जैसे बूढ़ी प्यासी बूढ़ी महिला को आप अगर पानी पिला रहे हो तो ये एक मॉरेलिटी है, यस। अगर आप उसको पानी नहीं पिला रहे हो, उसने पानी मांगा नहीं पिला रहे हो, तो वो इमोरल हो गया, आप इमोरल हो गए। तीसरा, अगर आप सिर्फ पानी पी रहे हो, खुद अगर पानी पी रहे हो, तो भाई इसका मॉरेलिटी से क्या लेना देना, पानी पी रहे हो आप, खुद पानी पी रहे हो, इसका मॉरेलिटी से कोई लेना देना है ही नहीं। खाना खा रहे हो, मॉरेलिटी से क्या लेना देना, आप सो रहे हो, मॉरेलिटी से क्या लेना देना, दिस इज अमोरल एक्शन, अमोरल एक्शन, राइट? मॉरल, इमोरल और अमोरल के बीच का आपका डिफरेंस आई होप क्लियर है। नेक्स्ट, डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, ये वही चीजें हैं जो हमने यहां पे कवर की हुई है। नथा सिंह एंड प्रेम सिंह बोथ आर द सेम थिंग्स। आई होप आपको ये सारी चीजें आसानी से कवर आप कर सकते हो कि क्या क्या अब ह्यूमन एक्शंस में एथिक्स का क्या रोल होना चाहिए और उसके डिटरमिनेंट्स क्या क्या होंगे, आप एथिकल होंगे या नहीं होंगे, आपका डिसीजन एथिक्स पे बेस्ड होगा या नहीं होगा, इस चीज को डिटरमाइन करने वाली क्या चीजें होंगी, सिचुएशंस होंगी,
यस, पर्सनल वैल्यूज होगी आपकी, यस, कि भाई आप कितने नैतिक हैं, आप क्या सबको समान मानते हैं, कहीं आप जातिवादी तो नहीं है। तो एथिकल वैल्यूज आपकी जो पर्सनल है वो भी डिटरमाइन करेगी कि आप कितने एथिकल होंगे अपने डिसीजन मेकिंग में। फॉर एग्जांपल, आप जातिवादी व्यक्ति हैं, आप सभी को इक्वल मानते ही नहीं है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होने के अपनी पोजिशन में उन सारे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे जो लोअर कास्ट से होंगे, तो आप अनएथिकल हो गए। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनल वैल्यूज आपको गाइड कर रही है अनएथिकल होने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज भी ऐसी ही हुई, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था कोयले की खान वाला, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये फिर से वही आ गया, मतलब रिपीट हो रहा है यार सब चीजें। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, ये भी मैंने आपको बताया कि आपके काम करने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये भी आपके एथिकल होने या नहीं होने का आपके वहां पे सिग्नल देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप एक स्पाई हो, गुप्तचर किसी कंट्री के, इंडिया के आप स्पाई हो, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप जाकर के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की जो उनकी जो सीक्रेट फाइल्स हैं, कुछ उनकी सीक्रेट फाइल्स को आप वहां से उनके ऑफिस से निकाल के ले आओ। अब आप ये कर रहे हो अपनी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ऐसी सिचुएशन में आपका ये काम करना, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की प्राइवेसी को ब्रीच करना, ऐसी सिचुएशन में आपके लिए एथिकल हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ योर कंट्री। लेकिन अगर आप कोई आम आदमी हो और आप अगर अपने बेटे की डायरी भी अगर एक्सेस कर रहे हो तो वो भी अनएथिकल होगा। मतलब वो उस बेटे की, वो उस छोटे बच्चे की प्राइवेसी को ब्रीच करने वाला काम है, वो वहां पे अनएथिकल हो गया। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के सीक्रेट फाइल्स को ले आते हो बीइंग अ स्पाई, तो वो काम आपके लिए एथिकल हो गया। इट मींस आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट है, ये सारी चीजें भी मैटर करेंगी जब आपके एथिकल होने या ना एथिकल होने, अनएथिकल होने की बात को डिटरमाइन किया जाएगा। तो उस टाइम ये सारी चीजें उस टाइम काम आएगी, सरकमस्टांसेस भी काम आएगी। मान लीजिए सच बोलना एक एथिकल एक्शन माना जाता है, यस, सच बोलना इज कंसिडर्ड टू बी एन एथिकल जॉब। लेकिन अगर आपको कैप्चर कर लिया पाकिस्तानी फोर्सेस ने, आपसे वो पूछ रहे हैं कि भाई हमें बता दे कि तेरी एंट्री यहाँ किस पर्पज से हुई, आप हो स्पाई, और आपने सच सच वहां पे बोल दिया, आपने बोला कि मुझे इमरान खान की ये फाइल्स एक्सेस करनी है, तो वहां आपको पीटा भी जाएगा और इस कंडीशन में आपको अनएथिकल भी माना जाएगा। तो सर्कमस्टांसिस के बेसिस पे भी मैटर करता है और इंटेंशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स परफॉर्मिंग द एक्ट, ये सारी चीजें आपके डिटरमाइन करेंगे कि आप एथिकल हो या नहीं हो और कहां आपको एथिकल होना चाहिए या कहां आपको अनएथिकल नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके डिटरमिनेंट्स हैं। आई होप कवर होगी होगी, नहीं हुई है आपको समझ नहीं आई तो एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। अब आता है डिटरमिनिज्म और इन डिटरमिनिज्म। ह्यूमन इंटरफेस में ये बातें बिल्कुल एकदम हमारी आम डेली लाइफ से रिलेट करती है डिटरमिनिज्म और इन डिटरमिनिज्म की। डिटरमिनिज्म बेसिकली क्या कहता है? डिटरमिनिज्म कहता है कि जो भी आप काम करते हो वो पहले से डिटरमाइन हो चुका है। ये एक तरीके के नियतिवाद का ही सिद्धांत है, लेकिन ये नियतिवाद नहीं है, ये फैटलिज्म नहीं है कि फेट पे भरोसा करना, नियति पे भरोसा करना, ये मतलब नहीं है डिटरमिनिज्म का। डिटरमिनिज्म कहता है कि हमारे पास्ट में जो इवेंट हुए हैं उन्हीं की वजह से वो सारे काम हो रहे हैं जो प्रेजेंट में हो रहे हैं। इट मीन्स द एक्शंस वी हैव डन इन पास्ट आर डिटरमाइनिंग द एक्शंस ऑफ टूडे। अगर आपने इतिहास में झूठ बोला है और आप आज भी झूठ बोल रहे हो तो आप आज इसलिए झूठ बोल रहे हो क्योंकि आपने इतिहास में ऑलरेडी झूठ बोल दिया हुआ है और उस झूठ को छुपाने के लिए आप आज झूठ बोल रहे हो।
ये हुआ डिटरमिनिज्म। इन डिटरमिनिज्म कहता है कि कुछ भी प्री डिटरमाइंड नहीं है, हिस्ट्री कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर सकती, आप प्रेजेंट को किसी भी तरीके से शेप कर सकते हो। तो ये एक काइंड ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट की फिलॉसफी हुई इनडिटरमिनिज्म। एथिक्स में इन दोनों का क्या लेना देना, आप सोच रहे होंगे क्या लेना देना। एथिक्स में लेना देना यही है सर कि मान लीजिए किसी आपके ऑर्गेनाइजेशन के किसी आदमी ने क्रिमिनल ऑफेंस कुछ कमिट कर दिया, उसने वो पाया गया कि उसने इलीगल कुछ तस्करी वस्करी कर दी आपकी कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने, और अब एम्प्लॉय आपको ये एक दलील दे रहा है कि भाई मैं तो सिर्फ एक एक्टर ऑफ एक्शन था, आई वॉज जस्ट एन एक्टर कमिटिंग द एक्शन। बातें तो पहले ही डिटरमाइन हो चुकी थी, मैंने तो सिर्फ उनको उनपे काम किया हुआ है, मेरी नियति पहले से ही डिटरमाइंड थी, ये तो सब कुछ भगवान ने तय कर रखा हुआ है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तय करने वाले का दोष है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इतिहास का दोष है, इतिहास में ऐसे काम ऑलरेडी हो चुके हैं और उन्हीं की वजह से मैंने ये तस्करी की, ऐसी भी कोई आर्गुमेंट दे सकता है। तो यहां पे डिटरमिनिज्म और इनडिटरमिनिज्म के बीच की क्लैरिटी इस तरीके से होना आपके लिए जरूरी हो जाता है। और सिंपली स्पीकिंग की अगर इस तरीके की कोई भी मान लीजिए आपको केस स्टडी दे दी हो यूपीएससी ने, और यूपीएससी ने बोल दिया कि व्हाट आर द एथिकल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्वड इन दिस केस स्टडी, तो आप इन दोनों चीजों को उसमें कोट कर सकते हो। डिटरमिनिज्म को आपने फेटलिज्म से कंफ्यूज नहीं करना है। मैंने कहा पास्ट इवेंट्स से जो चीजें प्रेजेंट में डिटरमाइन हो रही है उस स्कूल ऑफ थॉट को हम कहेंगे डिटरमिनिज्म, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने आपकी नियति डिसाइड की हुई है। डिटरमिनिज्म इस बात पे बिलीव नहीं करता है, डिटरमिनिज्म पास्ट पे बिलीव करता है, नियति पे नहीं। नियतिवाद अलग चीज है, नियतिवाद कहती है कि आपकी जो नियति है, आपका जो भविष्य है ऑलरेडी डिसाइडेड है, आप तो बस काम करे जा रहे हो, आप नौकर हो, आपने जो काम करना है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, भगवान ने डिसाइड किया, नियति ने डिसाइड किया है। सो दे आर सेपरेट थिंग्स, आपको ये बात यहाँ ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इमोशनल इंटेलिजेंस को कवर करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बाकी ये फुल कोर्स इसमें कवर किया जाएगा। जो नए लर्नर्स हैं वो इस कोर्स को शुरुआत से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बाकी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।